सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी मुक्त, किसान मुक्त एवं गरीब मुक्त भारत चाहती है, जिसके चलते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे आदिवासियों के खिलाफ मुकदमे में पैरवी करने के लिए सरकार की तरफ से कोई वकील भी नहीं भेजा। इस मामले में सांसद सिंधिया ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी को अपील करना चाहिए और आदिवासियों को उनका मालिकाना हक जल्द दिलाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, इसमें पूर्ण रूप से भाजपा सरकार असफल रही। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके तहत 10 लाख आदिवासियों का भविष्य जुड़ा हुआ है और उस फैसले में, उस चर्चा में, उस क्या कहते हैं जब आर्ग्यूमेंट्स होता है कोर्ट में, उस बहस में सरकार के तरफ से वकील एक बार भी नहीं गया, पेशी नहीं हुई। अगर ये आदिवासियों के साथ नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? और सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा जब सरकार ही पेशी नहीं कर रही है, सरकार ये बहस नहीं कर रही? ये चाहते हैं आदिवासी मुक्त भारत भाजपा, और इसलिए फौरन मैंने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी को कि हमको अपील में जाना चाहिए और आदिवासियों की रक्षा हमको करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपील में होने तो क्या, सरकार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से भाई। 3.5 लाख आदिवासियों को मध्य प्रदेश में बेदखल किया जाएगा जमीन से, जो वन विधेयक अधिनियम पारित किया है संसद ने 2006 में, जिसके आधार पर आदिवासियों को अपना मालिकाना हक दिया गया था, उससे वो वंचित रह जाएंगे। यह तो भाजपा की सोची समझी हुई साजिश है कि पहले कोर्ट में मुकदमा पेश करो, उसके बाद पैरवी के लिए ना, पैरवी शब्द में देखा, पैरवी के लिए ना जाओ, सरकारी वकील ना भेजो और आदिवासियों के विरुद्ध जजमेंट निकल जाए। ये चाहते हैं दलित मुक्त भारत, किसान मुक्त भारत, आदिवासी मुक्त भारत। केंद्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वायुसेना के सभी पायलटों को सलाम करते हुए कहा कि उनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई है कि उन्होंने आज पाकिस्तान में आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्र को नेस्तनाबूद कर दिया। ये मैंने भी सुना है, जो आपने सुना है, मैंने इस विषय में ऑलरेडी ट्वीट कर दिया है और मैं सलाम करता हूँ हमारे वायुसेना के पायलट्स को जिन्होंने इतने अच्छी तरीके से भारत के विरुद्ध जो ताकत है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। चलो, थैंक यू।